क्लास 10th में साइंस में एक चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। आज हम वही वाला चैप्टर शुरू करेंगे, आवर एनवायरनमेंट वाला। एनवायरनमेंट के बारे में क्लास 10th के पहले छोटी क्लासेस में भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। 9th क्लास में भी इसके बारे में बताया जाता है, घरों में भी, टेलीविजन में भी, न्यूज़पेपर में भी, पेरेंट्स भी बताते हैं कि एनवायरनमेंट बड़ा ख़राब हो रहा है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। नेचर, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है कि भाई नेचर में क्या हो रहा है, जहाँ हम रह रहे हैं, जिस जिस नेचुरल एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, उसके बारे में सारी बातें करनी है। और ह्यूमन बीइंग जो है वो एनवायरनमेंट में किस तरीके से अपना इफेक्ट डाल रहा है, पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, जो गार्बेजेस हम डिस्पोज करते हैं एनवायरनमेंट में, उसको कैसे ट्रीट करके डाला जाए, यही सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है ना। तो एक एक करके धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट का ओवरऑल, इन्वायरमेंट एक बड़ा ही ओवरऑल मीनिंग रखने वाला शब्द है। इस इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स आवर एटमॉस्फियर, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स, सोसाइटी एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जो जीव जंतु हैं जिन पर हम डिपेंड करते हैं। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द प्लांट्स, वेजिटेबल्स, ग्रास, इंसेक्ट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिला के एक इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है ना। और उसमें उसमें एक चीज़ होती है इकोसिस्टम, ठीक है ना। इकोसिस्टम से शुरू करते हैं हम लोग, जरा सिस्टमेटिक पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है ना। इकोसिस्टम क्या होता है भाई? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स यानी जिनमें जान होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, सबको मिलाकर ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे जैसे मान लो इंसान है, तो इंसान खाना खाता है। खाना कहाँ से आता है? खाना अलग अलग सोर्सेज से आता है, वेजिटेबल से आता है, प्लांट से आता है, ग्रासेस से आता है। उसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए जो है वो दूसरे एनिमल्स भी जो है वो फूड के सोर्स हैं, ठीक है ना। ये सब मिला के हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम एक खेत में चले जाएं, तो खेत में एक फसल हो रही है, देर इज ए क्रॉप इन इन ए फार्म, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी बताओ? एक तो पेड़ पौधे होंगे, सॉयल है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, दूसरा एटमॉस्फेयर है, सनलाइट है, इंसेक्ट्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, ठीक है ना। ये सब मिल के उस फसल को ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है। फिर वो फसल होएगी, उसमें से ग्रेन्स निकलेंगे, उस ग्रेन्स को प्रोसेस करेंगे, फिर वो हम तक पहुंचेगा, कंज्यूमर्स तक, ठीक है ना। तो एक इकोसिस्टम क्या है? जब सारे ऑर्गेनिजम्स ऑल टुगेदर, इफ दे इंटरैक्ट विद दी नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एनवायरमेंट, देन ऑल दीज इन टोटल फॉर्म एन इको सिस्टम। वॉट इज इको सिस्टम? वेन ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टूगेदर विद नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरमेंट, दे आर इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे फॉर्म एन इको सिस्टम। तो अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल इंटरेक्टिंग All interacting organisms in an area all together with non-living constituents. Of the environment for an ecosystem. ठीक है। एक एरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये इकोसिस्टम जो होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं, मैनमेड भी होते हैं। जैसे हमने अभी फार्म का एग्जांपल लिया, वो मैनमेड था,
भाई आदमी जाता है, खेती करता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, उसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे सनलाइट है, जैसे कि सॉयल है, जैसे कि टेम्परेचर है, जैसे कि प्रेशर है, ठीक है ना, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी उसमें इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लें गार्डन का, गार्डन, अब एक गार्डन है, उसमें पेड़ पौधे हैं, उसमें बटरफ्लाइज हैं, उसमें ग्रासेस हैं, ठीक है ना। पहले पहले पेड़ पौधों और उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से उसमें ग्रासेस हैं, उसमें फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फूल पत्तियां होती हैं, उनमें दूसरे ऐसे प्लांट्स हैं जो छोटे हैं और हर्ब्स हैं, ठीक है ना, उसमें बड़े प्लांट्स हैं, बड़े पेड़ हैं, ट्रीज हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो एनिमल कंपोनेंट है वो क्या क्या है, इंसेक्ट्स हैं उसमें, उसमें अर्थवॉर्म्स हैं, उसमें बटरफ्लाइज हैं, उसमें फ्रॉग्स हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके अलावा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या क्या है, सनलाइट है, सॉयल है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है, एयर है, ठीक है, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कैसे, मान लीजिए कि हमने एक पिरामिड से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये जो है ना ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं इसको। बड़ी अच्छी बात ये है कि इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। अभी हम इस पर बात करेंगे, पूरा फ्लो चार्ट बनाता हूं मैं अभी। एक कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है ना, बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरे कंपोनेंट्स जो है वो है अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना, अबायोटिक कंपोनेंट्स। जरा ध्यान से समझना इस बात को, बायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच आर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, वही ग्रास, हर्ब्स, प्लांट्स, दूसरी चीजें जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनमें प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, इनमें कंज्यूमर्स भी आते हैं, बात समझ रहे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लाइफ है, जैसे हर्ब्स हो गए, ग्रास हो गए, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, फ्रूट्स हो गए, और यही नहीं, एनिमल्स, अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट्स, दूसरे एनिमल्स, इवन ह्यूमन बीइंग, सारे इंसान सब मिलकर बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट क्या है सब, अबायोटिक कंपोनेंट हम उसको बोलते हैं जो नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे जैसे कि सॉयल, जैसे कि विंड, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है ना, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट, सनलाइट, ठीक है ना। तो बायोटिक कंपोनेंट में अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल होता है प्रोड्यूसर्स का, प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ये एक एक लेवल को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना, ये ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है ना, ये लेवल्स। ये जो प्रोड्यूसर्स है ना, इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ये वो कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट का वो हिस्सा है प्रोड्यूसर्स, जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। आपने पढ़ा होगा प्लांट्स हैं, उनमें क्लोरोफिल है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस से वो कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को हम कंज्यूम करते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करने से हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हम वर्क करते हैं। तो बेसिकली सनलाइट से मिलने वाली जो सोलर एनर्जी है वही कन्वर्ट होती है फूड एनर्जी में, फूड एनर्जी कन्वर्ट होती है वर्क एनर्जी में, और इस तरीके से एनर्जी का ही कुल मिला के फ्लो चल रहा है। जो प्रोड्यूसर्स है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट से, सॉयल से, टेम्परेचर की सहायता से, प्रेशर की सहायता से, विंड की सहायता से, सनलाइट की सहायता से फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और वो खाना सब खा रहे हैं। कौन खा रहा है, एनिमल्स खा रहे हैं, दूसरे इंसेक्ट्स खा रहे हैं, दूसरे जो उन एनिमल्स को, कुछ एनिमल जो ये खाना खाते हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं, घास वगैरह, उनको दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं, ठीक है ना। इंसान सबको खा जाता है, वो जानवरों को भी खा जाता है, ग्रास को भी खा जाता है, सब्जियों को भी खा जाता है, फलों को भी खा जाता है, तो इंसान तो सर्वाहारी है, उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात क्या है इस नेचर की, जो ब्यूटी है कि प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा है, यानी खाना बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो इस धरती पे सबसे ज्यादा अमाउंट में है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में,
तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, तरह तरह की घास हैं, तरह तरह की जड़ें हैं, तरह तरह के ट्रीज हैं, तरह तरह के फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, बात समझ में। और तरह तरह के जानवर हैं जो इन घासों को, इन फलों को, इन ट्रीज को खाते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम चेन में ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ खाना खाते हैं। इन ए सेंस दे आर बेसिकली गेटिंग एनर्जी फ्रॉम देयर। सो हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस? बेसिकली प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस फूड। हाउ दे प्रोड्यूस फूड? दे प्रोड्यूस फूड विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन द एनवायरमेंट व्हिच आर सनलाइट, सॉयल, विंड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एक्सेट्रा। उस सोलर एनर्जी की सहायता से जिस फूड को वो बनाते हैं उसको हम फूड एनर्जी बोल रहे हैं। मान लो उसको कंज्यूम करने वाला जो है वो कंज्यूमर है और उस एनर्जी को वो चेंज कर लेता है वर्क एनर्जी। जैसे हमने कोई खाना खाया तो वो जो खाना बना था वो किस पेड़ पौधे ने बनाया था? उस पेड़ पौधे ने बनाया था जो धूप में खड़ा था, उसने फ्रूट बनाया उसका। उस फ्रूट को हमने खाया, मिनरल्स की सहायता से उसने फ्रूट बनाया था भाई। जमीन में उसकी जड़ें गई, जड़ों में से उसने मिट्टी में से मिनरल्स निकाल लिए, पानी निकाल लिया, वहाँ मिट्टी में सॉयल है उसका भी बड़ा रोल है। किस तरह की मिट्टी है उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई हमारा जो इस पेड़ का जो फ्रूट होगा वो कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, किस टाइप का होगा, किस एनवायरनमेंट में होगा। बाहर जो टेम्परेचर है, कोई ज़्यादा टेम्परेचर में पकने वाला फ्रूट होता है, कोई जो है वो ठंडी का फल होता है, कोई सब्जियां जो है ठंडी के मौसम में बनती हैं, कोई अनाज जो है वो गर्मी के मौसम में पकता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर ओवरऑल टेम्परेचर इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सॉयल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस टाइप की मिट्टी में क्या क्या चीजें होती हैं। नहीं भी पता है तो कम से कम हमें यह मालूम है कि अलग अलग टाइप की मिट्टियों का अलग अलग रोल है, ठीक है ना। उसके अलावा विंड, हवा कैसी चल रही है उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सॉयल। सनलाइट की बहुत जरूरत होती है, बिना धूप के तो कोई भी पेड़ नहीं बड़ा होता, कोई भी पौधा बड़ा नहीं होता, कोई भी फसल नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें इंसेक्ट्स का बड़ा रोल है। क्यों? इंसेक्ट जो है वहां पर जो है, जैसे अर्थवॉर्म है, केचुआ है, वो क्या करता है? मिट्टी को पलटता रहता है तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको अच्छा करता रहता है। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खेती के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इंसेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसेक्ट्स डेड एनिमल्स को, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खा के खत्म कर देते हैं। मान लीजिए आज एक जानवर मर गया, मान लीजिए कि आपके खेत में एक कुत्ता मर गया। अब वो मर गया, वहां पड़ा हुआ है, उसकी जो डेड बॉडी है अगर उसको खत्म नहीं करेंगे, किसी तरीके से बायोडिग्रेड नहीं करेंगे, तो वो हमेशा हमेशा वहीं पड़ा रहेगा, वैसे ही स्मेल आती रहेगी। तो बेसिकली जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो इन सब चीजों को खत्म करने में काम आते हैं। ये उनको खा जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म करते हैं। हम कहते हैं ना बायोडिग्रेड हो गया। कैसे हो गया बायोडिग्रेड? ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये जो वॉर्म्स हैं, ये जो बैक्टीरियाज हैं, यही तो उसको खाते हैं, बात समझ में। तो किसी इकोसिस्टम में जहां हम रह रहे हैं, किसी एनवायरनमेंट में जहां हम रह रहे हैं, वहां हर कंपोनेंट जिम्मेदार है हमारी लाइफ के लिए। हर कंपोनेंट जिम्मेदार है। अगर आप चाहें कि आज आप कीड़ों मकोड़ों को मार दें तो हम भी मर जाएंगे। एक स्टडी है कि अगर पूरी पृथ्वी से, पूरे अर्थ से सारे इंसेक्ट्स मार दिए जाएं तो हमारी लाइफ कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन बड़ी खास बात यह है कि अगर इस पूरी धरती से इंसान खत्म हो जाए किसी तरीके से, तो इस धरती को, इस प्लैनेट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इट विल फ्लरिश रादर, बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर बेसिकली डिस्ट्रॉइंग दिस प्लैनेट। ठीक है, खैर उस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे। अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि जो फूड चेन होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है प्रोड्यूसर, और इन लेवल्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स, और इनमें प्रोड्यूसर्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है ना, इसके ऊपर होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ खाना खाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? दोज विच प्रोड्यूस देयर फूड ऑन देयर ओन, जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं एनवायरमेंट में, जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे कि दूसरे ट्रीज हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, हम थोड़ी उन्हें खिलाते हैं रोज ले जाके। ठीक है, जैसे कि घास है, जैसे कि हर्ब्स हैं, जैसे कि बाकी दुनिया भर की चीजें हैं, जितने भी ग्रीनरीज हैं, वो सब अपना फूड खुद बनाते हैं। आपको पता है उनमें क्लोरोफिल नाम का एक कंपाउंड होता है, फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो सब होता है, वगैरह वगैरह, यू नो। एंड मिनरल्स आर सक्ड आउट फ्रॉम द अर्थ इन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड देन दे मेक देयर ओन फूड। ठीक है, उनके हरा रंग जो होता है पेड़ पौधों पर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो क्लोरोफिल है। बात समझ में आ गई।
ये वो प्रोड्यूसर्स हैं, ये फूड चेन की सबसे ज्यादा न्यू है, सबसे मतलब इसको बोलते हैं ना कि जैसे जैसे होता है ना कोई न्यू जो होती है, जो फाउंडेशन है वो हमारे एनवायरमेंट की यही। ये अगर खाना ना बनाए तो आगे किसी को कुछ नहीं मिलेगा और सब मर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर इज दैट प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट इन द मैक्सिमम क्वांटिटी, कंज्यूमर्स आर वेरी लेस। मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे हम कंज्यूमर्स की सीढ़ियों पर ऊपर बढ़ेंगे उनकी संख्या बहुत घटती जाती है। जैसे सबसे पहले आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स आर ऑल टूगेदर कॉल्ड, ऑल द कंज्यूमर्स आर टूगेदर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ठीक है ना, हेटरोट्रॉप्स। ये अकेले प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड ऑल द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है ना, मैंने लिख दिया है 1 degree, 2 degree, 3 degree, लेकिन पढ़ेंगे ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है ना। और बल्कि हो सके तो आप लिखेंगे भी ऐसे ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, मेरी तरह ना लिखें आप, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, जो खाना बनाते हैं उसको सबसे पहले घास फूस को फल को सबसे पहले खाने वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। वो कौन से हैं, जो घास चरने वाले जानवर हैं, कि सब हिरन है कि गोट है कि गाय है, इस सब के इस तरह के जो जानवर होते हैं वो प्रोड्यूसर्स से प्रोड्यूस किया हुआ खाना पहले कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, ये सबसे पहले इसको खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो इनको खा जाते हैं, इन जानवरों को खा जाते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। वो अपना खाना इन जानवरों से खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो है प्रोड्यूसर्स ने हर्ब्स हैं, ये घासें हैं, इन्होंने खाना बनाया, इनको खाने वाले इंसेक्ट्स थे, कीड़े मकोड़े थे, बर्ड्स हैं, ये सब है। अब उन इंसेक्ट्स को खाने वाले दूसरे जानवर हो जाएंगे, जैसे बर्ड्स ने इनको खा लिया, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मुर्गी है, मुर्गी ने उन कीड़े मकोड़ों को खा लिया, और मुर्गी को खाने वाला जो है फिर वो टॉप कंज्यूमर हो जाता है, टर्शरी कंज्यूमर हो जाता है जानवरों को खाने वाला। मैं फिर से बताता हूं, प्रोड्यूसर्स वो हैं जो खाना बनाते हैं अपना, कंज्यूमर्स वो हैं जो इस प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया हुआ खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खा जाते हैं। जो डायरेक्टली खाने वाले हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना, जैसे इंसेक्ट्स हैं, इन्होंने इनको डायरेक्टली खा लिया, खाने को डायरेक्टली खा लिया, कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे, ठीक है। हर्बीवोर्स बोलते हैं, जो घास फूस ही खाते हैं, हिरन है, गोट है, डियर है, काउ है, जो केवल घास हो, ऐसे जानवर जो केवल घास, पेड़ पौधे, पत्ते, फल फ्रूट ये सब खाते हैं, वेजेस खाते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स भी बोलते हैं इनको। अभी मैं डिटेल में इसका एक फ्लो चार्ट बनाता हूं तो आपको और पता लग जाएगा, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। बात समझ में, हर्ब्स को खाने वाले हर्बीवोर्स कहलाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो कॉर्निवोर्स होते हैं। कॉर्निवोर्स क्या होते हैं, जो जानवरों को खा जाते हैं, यहां वाले जानवरों को जो खाते हैं, भाई ये जो जानवर हैं, जो डियर है, गोट है, काउ है, इंसेक्ट्स हैं, दूसरे चीजें हैं, जो डायरेक्ट जो है खाना प्रोड्यूसर्स से लेते हैं, डायरेक्ट खाना पेड़ पौधों से लेते हैं, ये किससे खाना लेते हैं, वो इनसे ले लेते हैं खाना, इनको बोलते हैं हम कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स क्या होते हैं, जो जानवरों को खाते हैं, जैसे कि लायन है, जैसे कि दूसरे जैसे टाइगर है, ये सब जानवरों को खा जाते हैं। तो लेकिन जानवरों के अंदर एनर्जी कहां से आई, प्रोड्यूसर से खाना जो मिला था उसी से तो आई थी, वो एनर्जी फिर कार्निवोर्स में चली जाती है, फिर वो उनको एनर्जी मिल जाती है, वहां से फूड मिल जाता है, ठीक है ना। और ये जो टर्शरी कंज्यूमर्स है ना, ये दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, टॉप कार्निवोर्स कहलाता है, ह्यूमन बीइंग और कॉकरोच, ये दो ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरी इस धरती पर ऐसे हैं जो पेड़ पौधे फल फ्रूट भी खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं और जानवरों को भी खा जाते हैं, मतलब वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस दोनों होते हैं। इंसान और कॉकरोच इस धरती पर ये दो ही किंगडम्स ऐसी हैं जो सब कुछ खा जाते हैं, ओमनीवोर्स कहा जाता है, कि भाई ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, जो मिलेगा सब खाएंगे, सर्वाहारी। बात समझ में आ रही है। तो ये जो टॉप वाले होते हैं ना, टर्शरी वाले जो होते हैं,
वो इनको कॉर्निवोर्स को भी खा जाते हैं, वो हर्बीवोर्स को भी खा जाते हैं, वो हर्ब्स को भी खाते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधों को भी खाएंगे, पेड़ पौधे खाने वाले जो जानवर हैं, बकरा है कि बकरी है कि हैं मुर्गी है कि डियर है हिरन है, सबको खाए। ये पेड़ पौधों को भी खाते हैं, ये इनको भी खाते हैं, ये इनको भी खा जाए कौन। ह्यूमन बींग्स तो इंसान तो कुछ भी खा लेता है, सब कुछ खा जाता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि इकोसिस्टम में एक फूड चेन चलती है। सबसे पहला खाना बनाने वाला जो है वो प्रोड्यूसर कहलाता है। अच्छा, इन सब के अलावा एक बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स में है प्रोड्यूसर, बायोटिक कंपोनेंट में है कंज्यूमर, और बायोटिक कंपोनेंट्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डीकंपोजर। भाई आपने एक सब्जी ले ली, उसको काट पीट के उसके खाने वाले हिस्से को तो आपने खाया, बाकी आपने फेंक दिया। भाई आपने उसकी डंडी फेंक दी, आपने उसकी पत्ती फेंक दी, आपने उसका फल खा लिया वगैरह वगैरह, छिलके फेंक दिए, उनका क्या होगा? वो तो उसी इन्वायरमेंट में चले गए ना, वो तो उसी एटमॉस्फेयर में चले गए। उनको डिकम्पोज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनको खाते, वो भी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। मान लीजिए आपने जो कूड़ा करकट फेंका है, जो चीजें आपने बाहर फेंकी हैं, वो अगर डिकम्पोज ना हो, वो नष्ट ना हो, तो एक तरह एक दिन पहाड़ लग जाएगा, पता लगा छिलकों का ही पहाड़ लग गया। केले के छिलके आप केले खाते हो रोज, और आप अपने केले के छिलकों को रोज घर में जमा करो, और अगर वो बायोडिग्रेड ना होते हो, मान लो वो खुद से ही खत्म ना होते हो, बर्बाद ना होते हो, तो एक दिन तो केले के छिलके का पहाड़ बना दोगे आप छोटा सा अपने घर के अंदर, ठीक है ना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरिया, जो वायरसेस, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इन सब चीजों को नष्ट करते हैं, इन सब चीजों को कंज्यूम करते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो डिकम्पोजर्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। फिर से बताता हूं, इकोसिस्टम के दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से? बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, सनलाइट है कि सॉयल है कि टेम्परेचर है कि प्रेशर है कि मिनरल्स हैं, ये सब अबायोटिक पार्ट है। बिना इनके ये जो प्रोड्यूसर है वो खाना नहीं बना सकता, खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकता। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं? ये वो कंपोनेंट है इकोसिस्टम का जो खाना बनाता है, ठीक है ना। बायोटिक कंपोनेंट के दो हिस्से, तीन हिस्से होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से? जो खाना बनाते हैं। कंज्यूमर्स कौन? जो इस खाने को खाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक जानवर ने फल खाया, एक जानवर ने ग्रास खाया, झाड़ी ये सब खाया, पेड़ पौधे खाए, दूसरे जानवर ने उस जानवर को खा लिया, तीसरे जानवर ने फिर उस और जानवर को खा लिया। इस तरीके से खाना तो यहीं से गया ना कुल मिलाकर। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? क्लियर हो रही बात? और टॉप कंज्यूमर जो है वो ओमनिवोरस है, वो ये भी हर्ब्स भी खाता है, ये भी खाता है, ये भी खाता है, सब कुछ खाता है, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरमेंट फॉर्म इकोसिस्टम। नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर, सॉयल, सनलाइट वगैरह, उनसे इंटरेक्ट करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कुल मिलाकर सबको मिलाकर हम एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आर्टिफिशियल हो सकता है, इकोसिस्टम नेचुरल हो सकता है। नेचुरल कौन सा? फॉरेस्ट में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, पेड़ भी हैं, झाड़ियां भी हैं, घासें भी हैं, जमीन के अंदर के रूट्स भी हैं, जड़ें भी खाते हैं, जड़ें भी हैं, और क्या क्या है वहां पर? अर्थवार्म है, जमीन के अंदर के कीड़े मकोड़े हैं, जमीन के ऊपर चलने वाले कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं जो उड़ते हैं, छोटे 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 जो कीड़े मकोड़े जो उड़ने वाले हैं वो हैं। उसके अलावा छोटे जानवर हैं जो घास खाते हैं, उसके अलावा बड़े जानवर जो उन जानवरों को खाते हैं, उससे बड़े जानवर जो इनको भी खा जाते हैं। बात समझ में? सबसे ऊपर तो खैर इंसान है ही, सब कुछ खाने वाला, नष्ट करने वाला। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो पिरामिड है वो ऐसे चलता है, यानी प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा है, खाना बनाने वाले बहुत ज्यादा है, और खाने वाले धीरे धीरे घटते ही चले जाते हैं। सब कुछ खाने वाले, भाई पेड़ भी खा गए, पौधे भी खा गए, फल फ्रूट भी खा गए, हर्ब्स भी खा जाए, जानवरों को भी खा जाए, इनको भी खा जाए, इनको, सब कुछ खाने वालों की संख्या बहुत कम है। और इस नेचर की ये ब्यूटी है, जरा इमेजिन करो, प्रोड्यूसर्स कम होते और खाने वाले ज्यादा होते, मर जाते बिना खाए बहुत सारे लोग मर जाते। लेकिन खाना बनाने वाले नेचर में बहुत ज्यादा है, खाना बनाने वाले कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा है, खाने वाले कम है। ये इस नेचर की ब्यूटी है, इस नेचर की ब्यूटी है। और इसका कंट्रोल करना, कंट्रोल भी रखना जरूरी है।
इसीलिए इस इकोसिस्टम में एक दूसरे से सभी इंटरेक्ट करते हैं, और न केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं बल्कि अबायोटिक कंपोनेंट्स भी इंटरेक्ट करते हैं जो कि नॉन लिविंग है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये जो इस पिरामिड में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, इनको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है ना, इनको प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कंज्यूमर्स को हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं जो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, जो इस खाने को खाते हैं फिर वो उसको खाते हैं फिर उसको खाते हैं, अल्टीमेटली दे बेसिकली आर डिपेंडेंट फॉर द फूड ऑन प्रोड्यूसर्स। और इन सब के अलावा एक और कंपोनेंट है डीकम्पोजर्स, ये भी बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा है डीकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं, ये गार्बेजेस को, छूटे हुए खाने को, मरे हुए जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को नष्ट करते हैं। ये डीकम्पोजर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रही बात? ठीक है, इतना नोट करो।